जो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आज की हुई हैं उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा जर्मनी ने यह कहा है कि बॉर्डर बंद किए जाए बॉर्डर कंट्रोल किया जाए ये सूरत हाल है और दूसरी जाने लेकिन अब हो ही रहा है कि स्वीडन ने कहा चौतीस डॉलर ले लो ये पाकिस्तान ये करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है और निकल जाए यहाँ से स्वीडन में क्या हो रहा है सर देखें जो बेसिकली एंटी इमिग्रेशन है बट प्रैक्टिकली एंटी मुस्लिम कहना चाहिए सब इमीग्रेंट्स के वो खिलाफ नहीं है वो कहते हैं कि इस्लाम एज अ कल्चर हमारे यहाँ फिट नहीं होता किसी <laughs> क्या हो सकती है मैं इससे ज्यादा आगे बोलूंगा तो बहुत मेरे दुखने बात नहीं कुछ ना कुछ गलत इसमें हम जिम्मेदार हैं हमने हर जगह जाके इलीगल इमीग्रेंट्स बने हैं सर भाई आपने देखा है कि स्वीडन में मुसलमानों के खिलाफ पहले भी तहरीके चलती रही मुसलमानों को क्यों इतना ज्यादा डिग्रेड किया जाता है आखिर क्या रीजन है सिर्फ सिर्फ ये स्वीडन के अंदर नहीं है पूरे यूरोप के अंदर ये हुआ है मुख्तलिफ मुमालिक में इस तरह के वाक़े हो रहे हैं ये सिर्फ इटली की बात नहीं है स्वीडन की बात नहीं इटली में भी अब जो मेलोन ने ये कह दिया कि यहाँ पर नई जगह इन लोगों की जो अपने आप के साथ फ्रॉड करे उससे बड़ा खतरा उसको कहीं और से नहीं मिल सकता तो इन बदकिस्मत लोगों का जो पाकिस्तान की रियासत हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ए पी चैनल पे तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज पे डिस्कशन हो रही है और वह है कि स्वीडन ने जो इमिग्रेंट्स हैं यानी स्वीडन में जो आके बाहरी लोग आके बसे हैं स्वीडन सरकार उन लोगों को चौंतीस हजार डॉलर दे रही है उन एग्रीमेंट्स को स्वीडन छोड़ने के लिए हालांकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स एज ए जनरल बोला जा रहा है लेकिन सभी अजान समझ रहे हैं और मान भी रहे हैं कि स्वीडन सरकार खासतौर से जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनको अब अपने देश से बाहर निकालना चाहती है जिसके लिए वो चौंतीस हजार डॉलर तक देने को तैयार हैं अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम अगर वहाँ की सरकार खर्च कर रही है तो उसके पीछे कितने परेशान होगा स्वीडन का सरकार या स्वीडन के लोग उन इमिग्रेंट से कि वो इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं क्योंकि स्वीडन जैसे या यूँ कहें कि जो डेमोक्रेसी देश हैं चाहे वो मानवता के चक्कर में हो डेमोक्रेसी का जो कुछ चक्र होता है जिसमें डिफरेंट पार्टियांज सत्ता के लिए लड़ती है उस चक्र में आकर के कई डेमोक्रेसी देश इन लोगों को शरण तो दे देते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं नहीं तो आप देखें चाहे वो चाइना हो या सऊदी अरब हो या, या यू हो आखिर इमिग्रेंट्स को क्यों नहीं लेते हैं। जहां पर आप मौजूद हैं स्वीडन में वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि थर्टी फोर थाउजेंड डॉलर दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए स्वीडन में क्या हो रहा है सर देखें एक है पार्टी यहाँ पे स्वेरिय डेमोक्राटर स्वीडन डेमोक्रेट्स जो बेसिकली एंटी इमिग्रेशन है बट प्रैक्टिकली एंटी मुस्लिम कहना चाहिए सब इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ नहीं हैं लेकिन इस्लाम एज अ कल्चर हमारे यहाँ फिट नहीं होता इनकी जो अप्रोच औरतों पे है जो ह्यूमन राइट्स पे है वो बिल्कुल मुख्तलफ है हमारे कल्चर से और वो हमारे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे तो कुछ साल पहले से ही एक इस किस्म का वो क्या कहते हैं ऑफर थी कि आप चले जाएं जिसको अब इस हुकूमत ने एकदम इंक्रीज कर दिया टू थर्टी फोर अ लॉट ऑफ मनी जो वो ऑफर कर रहे हैं ये किन लोगों ये अप्लाई होगा 2026 से शुरू करेंगे वो जो स्वीडन का तरीका है कानून बनेगा फिर इस पे वो आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप सो ये पोजीशन है इसमें वो लोग ही आएंगे जो यहाँ पे इकनॉमिकली uh, अपने आप को वायबल नहीं बना सके ना नौकरी उन्हें मिली है ना उन्होंने कोई बिजनेस शुरू की है ना उन्होंने स्वीडिश सीखी है कि वो लेबर मार्केट के अंदर एंटर हो जाए और लेबर मार्केट में अब तो सारे वेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड लोगों की जरूरत है तो स्वीडन के अंदर जनरली एक कोशिश है कि ये जो है ना जितने भी हम यहाँ से इमिग्रेंट्स निकाल सकें वो बेहतर है और खास तौर पे मुसलमानों पे उनकी नज़र है कि ये कल्चरली इस्लाम जो है यहाँ फिट नहीं होता बात ये है कि फर्दर इमिग्रेशन यहाँ पे वेलकम नहीं है मुझे कई लोग कहते हैं जी हमारा बेटा आना चाहता है मैंने कहा यार बात सुनो अब तुम रुख करो कैनेडा का ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का वहां पे अगर चांस मिल है तो अपने बच्चों को भेजो यहाँ पे तो जो बेचारे आए हुए हैं मैंने दो तीन की मदद भी की है वो क्या करते हैं कि अब यहाँ से जब रिफ्यूजल हो गया पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं तो वो सारे पोर्चुगल में जाने की कोशिश करते हैं पुर्तगाल में वहां पे भी दरवाजे अब बंद हो रहे हैं तो यूरोप इज नॉट वेलकमिंग इमिग्रेंट्स खास तौर पे वो इमिग्रेंट जो उनकी इकोनोमी के लिए फंक्शन बर्डन जो बन रहे हैं जो बर्डन बनते जा रहे हैं बदमाशें करते हैं कि बीवी को तलाक दे दी हाँ जी वो तलाक जब उसको मिल जाती है तो फिर सोशल डिपार्टमेंट उसको पूरा घर देता है तो ये क्या करते हैं वो फिर किराए पे दे के तो रहते बीवी के साथ ही हैं ये फिर आप पकड़े जा रहे हैं एक एक करके कई लोगों ने तो इससे भी ज्यादा ज्यादा की बांग्लादेशियों ने और इधर उधर अपनी बहनों से निकाह कर लिए बुलाने के लिए और फिर तलाक दे दी मतलब जो तरीका निका है यहाँ पे सेट होने का जी उन्हें पैसा दिया जा रहा है थर्टी फोर थाउजेंड डॉलर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट आप जाके कोई ना कोई बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं आई डोंट नो लेकिन अब यही पॉलिसीज बनती जा रही हैं क्या किया जाए ये वो स्वीडन नहीं है जहां हम आए थे सर अगर वो पाकिस्तानी होंगे और आएंगे तो उनको तो कच्चे के डाकू ले जाएंगे सुनते ही थर्टी फोर थाउजेंड डॉलर मिले तो बेचारे उससे भी डरे सहमे रहेंगे दोस्तों स्वीडन ने तमाम इमिग्रेंट्स को कहा है कि खुदा दा वास्ता जे हमारा मुल्क छोड़ दो बट द क्वेश्चन इज कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन पर्टिकुलरली जो सीरिया से हुई है जो अफगानिस्तान से इराक से अरब वर्ल्ड से बहुत सारे जगहों से हुई है उसने वहां पे जाके जो मसाइल पैदा किए हैं आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा जर्मनी ने ये कहा कि बॉर्डर बंद किए जाए बॉर्डर कंट्रोल किया जाए लेकिन अब हो ही रहा है कि स्वीडन ने कहा चौतीस डॉलर ले लो ये पाकिस्तान ये करोड़ रुपए से ज्यादा बनता और निकल जाओ यहाँ से मैं कल किसी से बात कर रहा था उसने कहा जी इन्होंने ये पैंतीस चौंतीस हजार डॉलर भी ले, ले लेना फिर वापस आ जाना ठीक है जी हमारे लोगों का स्टाइल ये है अब हुआ ये कि इन इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जब जंगे हुई अफगानिस्तान इराक सीरिया लोग वहां से निकले बड़ी तादाद में और उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत जुलम हो रहा है तो इनके मुल्कों के कवानी ये थे कि हाँ जी इनके साथ जुलम हो रहा है ज्यादा इनको ले लें लेट्स एक्सेप्ट वॉट हैपन इन फैक्ट ठीक है हुआ ये कि Uh, जो जो लोग थे वो वहाँ पे गए उन्होंने जाके वहाँ पे फिर अपने इस्लाम का नफाज किया अब स्वीडन के अंदर भी ऐसे ही हुआ बाकी मुल्कों के अंदर भी मैं जाके देखता हूँ ट्रस्ट मी एंड व्हेन आई गो एंड सी एरियाज वेयर देर आर नॉट द लोकल्स वो इलाके गंदे होते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता अनफॉर्चुनेट दुख होता है देख के ठीक है जी स्कैंडिनेविया आपको पता है हेमैनिटेरियन लिए बड़े ये लोगों को वेलकम करते हैं अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है इंटीग्रेट करना अब स्वीडन के अंदर एंटी इमिग्रेशन जो है वो पार्टियां आ रही हैं अच्छा बहुत सारे मुल्कों में ये है ये कौवानीन मौजूद हैं फ्रांस में भी है और मुल्कों में भी है वहाँ लेकिन थोड़े पैसे हजार दो हजार यूरो ले लें ले एंड लीव कंट्री